नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन शॉप में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट टीआई सेट, राइट। जैसा कि आपको मालूम है, टॉप 50 टीआई सेट की एक सीरीज चल रही है। आज अपने फिफ्थ डीआई सेट है, यानी कि टोटल चार सेट मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज अपने पांचवा सेट डीआई का डिस्कस करेंगे, ओके। तो वीडियो में बने रहिएगा। मिसिंग टेबल्स फॉर्मेट में पूरा का पूरा डीआई सेट है, बिल्कुल मेंस लेवल का डीआई सेट है। चाहे वह आईबीपीएस आरआरबी पीयू मेंस हो, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस हो, एसबीआई क्लर्क मेंस हो, या मेंस का कोई भी एग्जाम्स हो ना, उनमें यह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ओके। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ओके। तो उससे पहले लास्ट फोर्थ क्लासेस, यानी कि लास्ट फोर्थ डीआई सेट आपको एक बार जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे लेवल के और बहुत अच्छे डीआई सेट हैं। प्लीज़ एक बार जाके मेरे वीडियोज में विजिट करके उन सभी सेट को जरूर निकालिएगा, ओके। सारे क्वेश्चंस मेंस लेवल के हैं और इतनी गारंटी है मेंस के इन 50 क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, 15 टीआई सेट को कर लीजिएगा, राइट। तो गारंटी है आपको, टीआई सेट तो आपको कहीं नहीं देखने पड़ेगा, बिल्कुल यहीं से ही एकदम डिटो के डिटो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, पहली बार हैं, रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा, ओके। वीडियो पहले पूरा देख लीजिए, अगर आपको लगे कुछ भी चीज़ अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, आपको लगे कि मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख पाई हूँ, तो वीडियो के अंत में लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके, ओके। टू लाइक द वीडियो, टू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लास्ट वीडियो, यानी कि फोर्थ नंबर मेरा वीडियो है ना, उसमें मैंने एक रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करने के लिए एक सीरीज दी थी। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, बट एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, राइट। तो इस क्वेश्चन का पहले आंसर जान लेते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट आज के टीआई सेट पे चलेंगे, ओके। तो क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पे 10, 8, 5, 10.5, 20 एंड 10, 48, राइट। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा है, सीरीज कैसे पकड़ते हैं, रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, राइट। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली पहला ये टर्म चेक कीजिए, ये इसका कितना मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 2 times यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन है। ये इसका कितना टाइम्स है, दैट इज द 2.5 times है, राइट। इंटू 2.5 इंटू 2, तो यहाँ पर आपका 1.5 times, यहाँ पर 1 times, यहाँ पर 0.5 times। अभी अपने को प्लस माइनस नहीं पता है, तो पहले अपन ने मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है ना, वो अपन ने फाइंड आउट कर लिया है, ओके। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी ना, तो क्वेश्चंस आपसे इजीली निकल पाएंगे। जिस दिन प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं है, तो कितना भी ट्राई कर लीजिए नहीं निकलेगा, ओके। तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस करिए। देखिए, 0.5 into 1, यानी कि अपने को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स मिल चुका है। 10.5 into 2, दैट इज द 21, 21 minus 1 = 20, बिल्कुल यहाँ पर अपन कह सकते हैं। 2.5 यानी कि 5 upon 2, 10 into 5, दैट इज द 40, 50 होता है, माइनस का 2 करेंगे तो अपने पास 2.548 आ सकता है, अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, 0.5 यानी कि 5 बचा प्लस का 3, तो दैट इज द 8 आएगा, बिल्कुल सही है। इन टू 1, 8 माइनस का 3, दैट इज द 5,
बिल्कुल सही है, 5 × 1.5 दैट इज द 7.5। 7.5 में कितना ऐड करें, तो अपन 3 ऐड करेंगे तो अपने पास 10.5 बिल्कुल आएगा। तो डेफिनेटली +3 -3 +3 -3 और यहाँ पर आपका +3 होगा। ओके, तो सीरीज में रॉन्ग टर्म कौन सा हुआ, यहाँ मैच नहीं कर रहा, तो ये आपका आंसर जो रॉन्ग है। 10.5 × 2 दैट इज द 21, 21 - 3 दैट इज द 18, यहाँ पर 18 आएगा। 18 × 2.5 दैट इज द 5 × 9 45 + 3 दैट इज द 48, यानी कि यहाँ पर माइनस का 3 यहाँ पर +3 आना चाहिए। तो आंसर्स क्या होगा, 20 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। रॉन्ग टर्म आपका कौन सा है, 20। 20 को रिप्लेस करके 18 होता तो बिल्कुल सही होता। ओके, आई होप सो गाइस आपके क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। आज भी मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क आपको मिसिंग नंबर रॉन्ग टर्म का दिया है, तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। पहले देखिए, प्रीलिम्स लेवल के डीआई सेट की अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, डीआई क्या से होता है, क्या होता है, बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, तो टॉप 11 डीआई सेट मैंने एक पीडीएफ बनाया था, राइट। अगर आपने डाउनलोड किया है वेल एंड गुड, नहीं किया है तो प्लीज़ इस पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। ओके, नाउ अब चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे। देखिए, आज का क्वेश्चंस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बन सकता है, बट समझने के बाद कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है। ओके, इज इट क्लियर? तो क्वेश्चंस क्या कहता है समझिएगा ध्यान से पहले। ओके, पहले डीआई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा ध्यान रखिए उस क्वेश्चंस का डायरेक्शंस क्या है, वह चीज पढ़िए। देखिए, द फॉलोइंग टेबल्स, यानी कि जो देखिए इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ओके, यहाँ पर हिंदी इतना ज़्यादा एक तरह से नहीं आ रही थी, तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वो हिंदी में रहेगा। ओके, द फॉलोइंग टेबल्स गिव अस information about the number of students who applied for an exams, appeared in the exams and passed the exams from 5 cities, right? आपके 5 प्रकार की cities हैं, जिसमें दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई एंड कलकत्ता, right? ये 5 cities हैं, इसमें कितने student ने applied किया है, कितने स्टूडेंट का अपीयर हुए हैं, अपीयर नहीं हुए हैं, और कितने स्टूडेंट हैं जो कि पास्ड हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर इन एग्जाम्स, अपीयर्ड इन द एग्जाम्स एंड पास्ड इन द एग्जाम्स, अप्लाई करने वाले, पास करने वाले और आपकी अपीयर्ड करने वाले। ओके, परसेंटेज ऑफ द मेल्स हु पास्ड द एग्जाम्स इज कैलकुलेटेड करके दिया हुआ जो मेल्स के परसेंटेज है, by using the number of males who applied for the exams as the base, right? याद रखिएगा, जो apply करने वाले हैं ना, उसी के ये percentage है, इतने pass हुए हैं। Questions में clearly mentioned है कि percentage of males जो passed हुए हैं, वो आपके apply करने वालों के percentage है। यानी कि 275A में दिल्ली में आपके अप्लाई किए हैं, तो इसका 16% होगा जो कि आपकी पास्ट हुए हैं। फ्यू फीचर, फ्यू वैल्यूज आर मिसिंग इन द टेबल्स, आपको फाइंड आउट करने हैं। बाकी क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। टेबल्स क्या कहते हैं कि दिल्ली में 275 टोटल मेल स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट 150 है, इसमें से डिड नॉट अपीयर, राइट, जो अपीयर नहीं हुए हैं वो 28 है मेल्स। ओके, यहाँ आपका मिसिंग टर्म्स है, ये आपका पास्ट मेल्स का, यहाँ पर पढ़िए मेल पास हुए हैं इतने 16%, फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले मेल्स, अगर फीमेल का पूछेगा पास्ट का, तो अपने को मेल्स के पास्ट निकालना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट में से लेस करना पड़ेगा, तभी आंसर्स आएगा।
सभी सिटीज में ऐसा ही है आपकी। ओके क्लियर। तो अब चलते हैं, मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चंस पे, राइट। कि पहला क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए, लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड अवे, सॉरी, नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड द एग्जाम्स फ्रॉम बॉम्बे आर हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स who did not appear for the exam from the same city, right? Did not appear means, right? तो 28 इसका तो questions का given है कि 28 यहाँ पर होगा, यानी कि ये कितनी होगा 28 में से जो कि आपकी past exams में हुआ है। तो आपको बॉम्बे का पूछा है, बॉम्बे ये रहा 36, 305 totals applied है। देखिए क्वेश्चंस में कहा था जितनों ने अप्लाई किया है उसका ही परसेंटेज आपके पास हुए हैं, तो 305 इसका माय डियर एस्पिरेंट्स क्वेश्चंस में गिवन है कि 20% स्टूडेंट है मेल है जो पास हुए हैं, तो इसका 20% आपके 10% 61 आपकी टोटल्स पास हुए हैं, राइट। इनमें से अब डिड नॉट अपियर कितने हैं 28, तो आंसर क्या बचा आपके पास 31st प्लस 2 दैट इज द 33। एक सेकंड रुकिएगा, बॉम्बे ये रहा 20% नंबर ऑफ परीक्षा देने वाले पुरुषों की संख्या वो पास था एग्जाम्स बॉम्बे में पास हुए 305 का 20% 61 होता है, माइनस का 36 यानी मैंने 28 ले लिया है पहले वाला, राइट, माइनस का 36 होगा, तो 61 माइनस 36 कितना बचा, दैट इज द 21 प्लस 4 दैट इज द 25। आंसर क्या आएगा, 25 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके समझ में आया, अगर समझ में आया है क्वेश्चंस तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके पहला क्वेश्चंस था, अभी आगे देखिए, राइट। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चंस ट्राई करें पहले, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, इफ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड द एग्जाम्स फ्रॉम दिल्ली आर 20% आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम्स नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास्ड द एग्जाम्स फ्रॉम दिल्ली। अब बात हो रही है दिल्ली की, राइट। पूछा क्या है फीमेल का पास्ड का, टोटल्स हु पास्ड द एग्जाम्स फ्रॉम दिल्ली, if the percentage of who passed the exams from Delhi 20% total student pass हुए हैं Delhi में, ऐसे males candidate पहले निकाली, males कितने पास हुए हैं 275 का 16% 275 का 16% right, यानी कि 275 अपॉन 16 तो दैट इज द 32 प्लस 75 आपका हो गया इसका दैट इज द 12 तो 44 मेल स्टूडेंट हुए हैं जो कि पास हुए हैं। यहां पर अपने को फीमेल पूछा है, टोटल्स 20% हैं, राइट। तो 20% टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं, 150 प्लस आपकी 275 तो दैट इज द कितना बचा 5 12 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज द 425। इसका 20% आपके टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं। ओके तो 20% इसका कितना हो गया
42 का डबल्स 84.5 का डबल 1, तो 85 स्टूडेंट टोटल्स पास हुए हैं, जिसमें से मेल्स कैंडिडेट हैं 44, फीमेल्स कैंडिडेट कितनी बची, तो रिमेनिंग आर फीमेल कैंडिडेट, ये आपकी मेल है, ओके तो फीमेल कितनी बची, तो दैट इज द 1 and 4, यानी कि 41, सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर्स होगा। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, राइट। अभी कुछ स्टूडेंट कहें कि सर जो नंबर ऑफ मेल्स डिड नॉट अपीयर है, इनको आपने लेस क्यों नहीं किया था, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने डायरेक्शंस अच्छे से पढ़ा होगा ना, वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको परसेंटेज जो पास हुए हैं वो आपके अप्लाई स्टूडेंट से ही लेने हैं। ये जो परसेंटेज दे रखे हैं ना, जो जितनों ने अप्लाई किया है ना, उन्हीं में से ही परसेंटेज पास हुए हैं। तो आपको नहीं देखा है, वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, वहाँ पर मैंने दिखाई है आपको लाइन, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, 41, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चले, देखिए अगर अच्छा लग रहा है ना माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेशंस मिलता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग पे आपसे कहा था, जहाँ कहीं भी अच्छा लगे थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक करिएगा, ओके। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिए इसको मैंने हिंदी में नहीं किया है, क्योंकि जगह स्पेस कम रहता था, बट मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन हिंदी में एक्सप्लेन आपके सामने कर दूंगा, ओके आप पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए टोटल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम्स फ्रॉम चेन्नई 324, चेन्नई की बात हो रही है, टोटल्स अपीयर कितने हुए हैं, 324 अपीयर हुए हैं, नॉट अप्लाइड, दैट इज द अपीयर, ओके। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स हु अप्लाइड, यहाँ पर क्वेश्चंस मार्क गिवन है, क्वेश्चंस इसकी वैल्यू पूछा है, और क्या पूछा है, फ्रॉम डिफरेंस पूछा है द नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास्ड द एग्जाम्स, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल वह भी निकालने हैं अपने को जो एग्जाम्स पास किए हैं, ओके। टोटल स्टूडेंट दे रखा है 98, तो अपन पहले इसको सॉल्व करते हैं, राइट, कि मेल पास कितने हुए हैं, तो इजीली निकाल सकते हैं 216 का 100/3%, यानी कि 1/3, 216 इंटू 1/3, That is the 7 and 2, right? 72 आपके मेल्स है, टोटल्स कितने हैं 98, क्वेश्चंस में गिवन है ये 98, देखे क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास द एग्जाम फ्रॉम चेन्नई, इफ यहाँ पर कंडीशन, इफ अगर द टोटल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास मेल्स प्लस फीमेल पास हुए हैं सिटी, सेम सिटी यानी कि चेन्नई में 98 है, बट चेन्नई में पास मेल हुए हैं 78, टोटल्स 98, टोटल्स आपके कितना हो गया 28 होता, 28 में से 2 लेस है, तो दैट इज द 26, यानी कि फीमेल्स कैंडिडेट जो पास हुई है वह आपकी 26 आ चुकी है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस कि आपको निकालनी है अप्लाइड की, फिर दोनों का डिफरेंस ये का, ओके। तो अप्लाइड की कैसे निकालेंगे, टोटल्स अपीयर्ड हुए हैं 324 अपीयर्ड हुए हैं, इनमें से मेल हैं जो कितने अपीयर्ड हुए हैं, तो मेल कैसे निकालेंगे, 216 आपके टोटल्स अप्लाइड किए थे, डिड नॉट अपीयर मेल कितने, यहाँ पर देखिए मेल का 22, तो टोटल्स अपीयर्ड कितने हुए हैं, तो 216 माइनस देखिए मेल है 216, टोटल्स अप्लाइड हुए हैं, इसमें से अपीयर नहीं हुए हैं 222, तो टोटल्स अपीयर्ड कितने हुए हैं 190 16, ये क्या, देन आपके 4 प्लस 2 दैट इज द 6, 194,
194 आपकी मेल्स कैंडिडेट हो गए, तो फीमेल्स कितने हुए, फीमेल्स कितने हुए 200 100 124 130, टोटल्स मेल्स आपके, टोटल्स फीमेल आपके आ चुकी है। यहाँ पर अपने को पूछा है अप्लाइड का, बट यहाँ पर अपीयर का भी क्वेश्चन है, राइट। तो अपन कैसे निकालते हैं, देखिए अगर सपोज कीजिए अपन इसको एक्स मान लेते हैं, राइट, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थर्टीन नॉट थ्री, राइट। अप्लाइड जिन्होंने किया हो उसमें से 13 लेस करेंगे तो अपने पास टोटल्स आ जाएंगे ना फीमेल 130, अपने पास टोटल्स फीमेल है, तो x की वैल्यू कितनी आई, तो दैट इज द 143, राइट। 143 आपके टोटल्स अप्लाइड वुमेन आ चुकी है, राइट। तो अप्लाइड वुमेन कितनी है 143, इसमें से 26 आप लेस कर दीजिए, कितना बचेगा 4 + 3 = 7 एंड 100, दैट इज द 117, ओके 117 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। एक बहुत तगड़ा क्वेश्चंस, एक बहुत अच्छा क्वेश्चंस, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट चेक हुए हैं, एक एक चीज को क्लियर करते चलना था, ओके तो थर्ड क्वेश्चंस का आंसर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चंस कैसा लगा पहले तो कमेंट बॉक्स में ये टाइप करिएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसा लगा, ओके तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं, देखिएगा फ्रॉम बैंगलोर, अब बात हो रही है बैंगलोर सिटी के। इफ द टोटल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम्स आर 258, टोटल्स दे रखा है 258 जिन्होंने अप्लाई किया है, राइट, अपीयर यानी कि एग्जाम्स में अपीयर्ड हुए हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड द एग्जाम्स, पहले तो देन व्हाट इज द डिफरेंस टोटल्स नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड द एग्जाम्स, तो पास्ड कितने हुए एग्जाम्स में, पहले तो इस चीज का सॉल्यूशन निकाल लीजिए, 188 का 25% यानी कि 9447 यानी कि मेल्स आपके पास्ड हुए हैं, दैट इज द 47, ओके 47 पास हुए हैं हु डिड नॉट अपीयर इन द एग्जाम, राइट, और जिन्होंने अपीयर नहीं किया है एग्जाम्स में, यानी कि ये चीज की वैल्यू अपने को चाहिए, ओके मेल्स की, राइट क्लियर। तो ये चीज अपने को चाहिए कि जो जिन्होंने अप्लाई आपके नहीं किया, अपीयर नहीं हुए हैं, इन दोनों का अपने को डिफरेंस चाहिएगा, ओके तो देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, हु पास्ड द 258 टोटल स्टूडेंट है जिन्होंने जो कि अपीयर्ड हुए हैं, तो पहले तो इनमें से फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनको माइनस कर दीजिए, फीमेल कैंडिडेट कितने हैं, तो फीमेल कैंडिडेट है 92 आपके अप्लाइड हुए हैं और अपीयर नहीं हुई है 4 कैंडिडेट, यानी कि 92 - 4 दैट इज द 88, राइट 88 फीमेल्स टोटल्स हो गए, 258 टोटल्स अपीयर्ड हुई थी इसमें से 258 टोटल्स अपीयर्ड हुए थे इसमें से 88 फीमेल्स हो गई, मेल्स ऑटोमेटिक आपके अपीयर्ड बच गए ना, तो कितनी बची, दैट इज द 0 and 70 टोटल्स पुरुष हैं जो कि आपके अपीयर्ड हुए थे, ओके बट क्वेश्चंस कह रहा है कि डिड नॉट अपीयर का पूछा है, टोटल स्टूडेंट है 188 जिन्होंने अप्लाइड किया था, अपीयर हुए थे उसमें से 177, टोटल्स मेल स्टूडेंट है 188 जो कि अप्लाइड हुए थे उसमें से अपीयर हुए थे 170, तो अपीयर कितने नहीं हुए, ओनली 480, राइट 80। अब क्वेश्चंस कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन वो पास्ट द एग्जाम्स नंबर ऑफ मेल एंड
जिन्होंने अपीयर भी नहीं किया है इनका डिफरेंस ये का, तो कि मैंने पास कितने हुए, 47 मेल्स हैं जो पास हुए, इसमें से 18 हैं जो कि अभी अपीयर नहीं हुए, दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 29 का, राइट। ऑप्शंस डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 29 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, समझ में आया क्वेश्चंस, तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आया है। अच्छा लगा तो लाइक बटन पे भी जरूर प्रेस करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखिए ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस है, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, क्वेश्चंस में पढ़ देता हूँ, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर इन द एग्जाम्स फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता की बात हो रही है, अपीयर द एग्जाम्स आर एक्स, एक्स दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर यानी कि दोनों का, मेल्स और फीमेल का जिन्होंने अपीयर किया है वह एक्स है। देन द स्टूडेंट, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम्स फ्रॉम कोलकाता, एक्स माइनस 5/12, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस, पूछा क्या है, टोटल्स नंबर ऑफ फीमेल्स हु अप्लाइड फॉर द एग्जाम्स, अप्लाई किन्होंने किया, ये डिफरेंस, ये आपको चाहिए, ये आपको पूछा है, एंड मेल्स हु पास द एग्जाम्स फ्रॉम कोलकाता, राइट। और कोलकाता से कौन से ऐसे मेल कैंडिडेट है जिन्होंने पास किया है फी कोलकाता, इफ द फीमेल्स हु पास द एग्जाम्स फ्रॉम सेम्स आर 24, अपना फीमेल में भी दे रखा है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आप अच्छे से आंसर दीजिएगा, इतनी गारंटी है, इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके लिए ईजी रहेंगे अगर आपने अच्छे से समझा है तो, क्योंकि मैंने चार क्वेश्चन करवाया बिल्कुल ईजीली एक्सप्लेन करके बताए हैं, प्लीज इसका आंसर जरूर आप दीजिएगा। ओके, तो ये टोटल्स आपके 5 क्वेश्चन थे DI सेट का, ओवरऑल क्वेश्चन सारे आपके एंड हो गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा। ओके, अंत में आपके लिए एक रॉन्ग नंबर सीरीज भी दे रहा हूँ, इसका भी आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर अपन बात करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अगेन होमवर्क है, 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। ओके, प्लीज जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। ओके, तो ओवरऑल आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और आपकी कोई भी क्वारी हो, किसी भी तरह का वीडियो आप अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना कि सर इसका वीडियो हमें चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ अब कह रहा हूँ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, मेहनत अच्छी लगी है तो। ओके, तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।